में मौत का अब दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में संक्रमण का शिकार 69 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। इससे पहले 12 मार्च को कर्नाटक में 76 वर्षीय बुजुर्ग की मौत संक्रमण के चलते हुई थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए एहतियातन स्कूल, कॉलेजों और सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जिस महिला की संक्रमण से मौत हुई है वह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की भी मरीज थी। उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस महिला का बेटा 5 से 22 फरवरी के बीच इटली और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर था। वह 23 फरवरी को भारत वापस लौटा था। उसे भी कफ और सर्दी की शिकायत थी। रिपोर्ट्स में भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि महिला के बेटे को 7 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रोटोकॉल के चलते उसके पूरे परिवार की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसके बाद महिला में भी कफ और बुखार के लक्षण नजर आए। इसके बाद उसे भी भर्ती किया गया। 8 मार्च को महिला के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए थे। हालात बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। 9 मार्च के बाद उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। 13 मार्च को ज्यादा हालत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। केजरीवाल सरकार ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। खेल से जुड़े सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने 31 मार्च तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। परीक्षाएं, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप रद्द कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय परिसर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.